देखो आज के हम इस लेक्चर्स के अंदर में ना ये पढ़ेंगे कि यूबीसॉफ्ट का अलग अलग एलिमेंट्स के क्या फंक्शंस है, है ना, ए टू जेड फंक्शंस पढ़ेंगे। अभी हमको अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, तो हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जैसे ही गए न्यू और ओपन, न्यू और ओपन के अनुसार एक तो न्यू क्रिएट कर लो या फिर ओपन मिले तो जो मैंने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है उसको भी ओपन कर सकते हो आप। तो मैं अभी न्यू के लिए जाऊंगा, मैं न्यू ओपन करूंगा। अब देखिए यहां पर ये विंडो ओपन होती है, तो विंडो में भी लिखना क्या है, प्रोग्राम टाइटल मतलब आपको प्रोग्राम का नाम क्या करना है, प्रोग्राम का नाम देना है आपको। यहां पर मान लो कि मैं प्रोग्राम का नाम देता हूं, एक्सरसाइज वन हमारा पहला काम है, चलो एक्सरसाइज वन, इसके बीच में स्पेस नहीं देना, स्पेस देंगे तो ये शायद एरर दिखा देगा, हमने स्पेस भी देखा, देखते हैं अगर शायद होता है ऑपरेट। ये दिख रहा है सिलेक्ट, ये सिलेक्ट एसई मतलब ये है पीएलसी का मॉडल नंबर, डेल्टा के अंदर में इतने प्रकार की पीएलसी अवेलेबल है, दिख रही है, एक दो तीन चार इतने सारे पीएलसी अवेलेबल है। तो आपका जो पीएलसी होगा इंडस्ट्रीज में आपके पास, देखो पीएलसी कितने भी प्रकार की हो, लॉजिक और प्रोग्राम बनाने का तरीका कभी चेंज नहीं होता, वायरिंग कभी चेंज नहीं होती, केवल चेंज होता है, मैंने बताया था आपको पीएलसी के टाइप कितने टाइप के हो गए, तीन, स्मॉल मीडियम और लार्ज। तो वही कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इतने सारे मॉडल कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है, कभी किसी ने मेमोरी को का स्पेस बढ़ा दिया है, कभी किसी ने आईओ पोर्ट बढ़ा दिया है, कभी किसी ने एनालॉग पोर्ट बढ़ा दिया गया है, कभी किसी ने इनपुट एनालॉग ज्यादा है तो डिजिटल आउटपुट ज्यादा कम है, है ना, इसका एक इस क्राइटेरिया के हिसाब से इतने सारे मॉडल इसमें डिसाइड किया हुआ है। किसी में चार इनपुट डिजिटल है तो दो एनालॉग डी इनपुट है, चार आउटपुट डिजिटल है तो चार एनालॉग डी आउटपुट है, ऐसा ये डिजाइन किया हुआ है। पर हमारे साथ में कनेक्शन सेम रहना है, प्रोग्रामिंग सेम रहना है, लैडर लॉजिक सेम रहना है, ऑपरेशन सेम रहना है, सब कुछ सेम रहना है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो मॉडल नंबर चेंज होगा। तो हम अभी सिमुलेशन में काम करने वाले, मतलब हमारे पास अभी एक्चुअल पीएलसी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एक्चुअल पीएलसी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम पीएलसी नंबर एसई लेते हैं, क्योंकि इस ही पीएलसी के ऊपर में सिमुलेशन करना पॉसिबल है, वरना बाकी पीएलसी के ऊपर में सिमुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया आपको ये कि सिमुलेशन करना केवल एसई मॉडल के ऊपर में, और एसवी टू नंबर का एक मॉडल हुआ यहां पर SV2, ठीक है, SV2 जो मॉडल है उसके ऊपर ही सिमुलेशन करना पॉसिबल है, वरना बाकी पीएलसी के मॉडल के ऊपर में सिमुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम एसई मॉडल लेंगे, ठीक है, एसई मॉडल लिए। ये समझ में आ गया आपको कि पहले में हमने प्रोग्राम का नाम दिए, दूसरे में हमने पीएलसी को सिलेक्ट करें कि हमको डेल्टा की किस पीएलसी के साथ किस मॉडल के साथ में कम्युनिकेट करवाना है, मतलब ये जो प्रोग्राम मैं बनाऊंगा वो किस पीएलसी के अंदर डालूंगा ऑपरेशन के लिए, ये हमने डिसाइड किया यहां से। अब प्रोग्राम डालना है मतलब किसी ना किसी वायर के थ्रू डालूंगा या फिर किसी ना किसी केबल के थ्रू डालूंगा, जैसे आपको लैपटॉप से मोबाइल में कुछ फाइल डालनी है तो आप क्या करते हो, एक तो उसको आप डेटा केबल से कनेक्ट करते हो या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हो, तो यहां पे वायरलेस कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, यहां पे वायर्ड कम्युनिकेशन ही पॉसिबल है। तो हमारे पास वायर कम्युनिकेशन करने के इतने सारे मॉडल है। सेटिंग में गए तो देखो किस टाइप का कम्युनिकेशन करवाना है, हमारे पास किस टाइप का केबल अवेलेबल है, RS-232 है, मतलब एक केबल का नाम है, RS सीरियल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, RS-232 टाइप का केबल है, या फिर इथरनेट है, डायरेक्ट लिंक यूएसबी है, मतलब यूएसबी केबल है, या फिर डायरेक्ट लिंक इथरनेट है, है? ये चार प्रकार के केबल हम लोग यूजुअली यूज होता है आज के डेट में, प्रोटोकॉल्स यूज होता है और लेन केबल यूज होता है, ये तीन चार केबल और यूज होते हैं, है ना। तो इस पीएलसी में WPL सॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर में केवल चार टाइप का ही केबल यूज कर सकते हैं हम लोग, चाहे वो RS-232 हो, चाहे आप इथरनेट हो, डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट हो, इथरनेट डायरेक्ट लिंक हो, हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉम पोर्ट, अब कॉम पोर्ट ये पूछ रहा है कि हम किस पोर्ट के ऊपर हमने इसको कम्युनिकेट किया है। आपके पास देखा है आपने प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होती है, कॉम कम्युनिकेशन पोर्ट होती है 14 पिन की,
आपका जो आपने कभी कंप्यूटर देखे होगे तो एक कंट्रोल केबल जाता है, कंट्रोल केबल एक लगता है कंप्यूटर में लगता है, सीपीयू में लगता है और एक मॉनिटर में लगता है, तो उस पोर्ट को बोलते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट। तो एक कॉम पोर्ट किस नंबर की पोर्ट है, अगर से ये कॉम पोर्ट मतलब एक नंबर की है, दो नंबर की है, तीन नंबर की है, ये चीज। डेटा का लेंथ क्या है, एक है, टू है, थ्री है, फोर है, है? ये डेटा का लेंथ क्या है, ठीक है। देखो अभी हम लोग ने कम्युनिकेशन किसी से कराई क्या, कम्युनिकेशन पोर्ट हैज बीन यूज्ड और दिस पोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कॉम जीरो हमारे पोर्ट में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब हमने क्योंकि कनेक्ट ही नहीं करे ना, हमारा लैपटॉप अभी किसी पीएलसी के साथ कनेक्टेड है क्या, नहीं है, अभी कोई भी पीएलसी के साथ मेरा लैपटॉप कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये क्या है कॉम जीरो, मतलब यहां पे कुछ नहीं लिखना है। जब अगर से आप लैपटॉप को पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपने किस पोर्ट के ऊपर में कनेक्ट किया हुआ है, कम्युनिकेट पीएलसी के ऊपर में लिखा रहता है, मैं आपको दिखाता हूं डेल्टा की पीएलसी तो आपको इजीली समझ में आएगा, है ना, ठीक है। आपको मैं पीएलसी दिखा देता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में पीएलसी वर्क कैसे करती है। पीएलसी के ऊपर मैं दिखता कैसे कैसे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा चीजें। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है अभी बेटा, दिखाई दे रहा है आपको ये, हाँ ओके। देखो आपको मैं अभी ये इसको एनलार्ज करा के दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा हम देखिए, ठीक है। ये देखो कॉम थ्री और कॉम टू और कॉम थ्री दिख रहा है, और एक कॉम वन दिख रहा है, कॉम वन, कॉम वन यूएसबी कम्युनिकेशन पोर्ट, मतलब आप पीएलसी मतलब लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट रहेंगी और यहां पे जाने वाली ये कॉम पोर्ट रहेंगी, तो हम इससे यूएसबी केबल से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये है कॉम नंबर वन, आप पीएलसी के किस कम्युनिकेशन पोर्ट के ऊपर में कनेक्ट किया है ये सिलेक्ट करना है। तो देखो ये कम्युनिकेशन पोर्ट है कॉम वन, और देखो यहां पे कॉम थ्री और कॉम टू और कॉम थ्री लिखा हुआ है, देखो ये कॉम टू और कॉम थ्री, ये किस टाइप की पीएलसी का कम्युनिकेशन है, आरएस 485 है ना, ये कॉम टू और कॉम थ्री क्या है, आरएस 485। अगर से मेरे को सीरियल कम्युनिकेशन करना है तो क्या लेना है कॉम वन, यूएसबी कम्युनिकेशन करना है तो कॉम वन, इथरनेट कम्युनिकेशन करना है तो कॉम वन, है ना। ये इथरनेट मॉड्यूल दिया, देखो ये इथरनेट दिया है, यूएसबी के लिए ये, इथरनेट के लिए ये, है ना, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर जो आपने इथरनेट दिया है तो वो कॉम पूछेगा ही नहीं, अगर जो आपने इथरनेट सिलेक्ट किया तो कॉम पूछेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर कॉम तीन है इसीलिए पूछ रहे कि कौन से कॉम के ऊपर कनेक्ट करना है, पर इथरनेट एक ही है, तो ये कि अगर जिस पीएलसी के अंदर में चार पांच इथरनेट दिया है तो वहां पे पूछेगा कि कौन से इथरनेट के ऊपर कनेक्ट करना है, इथरनेट वन टू थ्री फोर, समझ में आ रहा है। क्या बोले, इथरनेट क्या होता है, इथरनेट केबल होता है, इथरनेट केबल होता है जिससे हम लोग डेटा कम्युनिकेशन करवाते हैं, है ना। इथरनेट एक केबल है जो हम डेटा कम्युनिकेट करवाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यूएसबी क्या है, एक केबल है जो डेटा कम्युनिकेट करवाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, है ना। आपका ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, डेटा यहां से वहां करता है। वैसे ही सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आरएस 232 होता है और दूसरा होता है आरएस 485। देखो ये आरएस 485 है, ठीक है ना, जिस टाइप का भी कम्युनिकेशन रहता है जिसके अंदर दो वायर रहती है, सिंगल दो वायर रहती है, दो वायर को यहां पर आकर कनेक्ट करना पड़ता है, ये दोनों पोर्ट पर, एक और दो पोर्ट पर, ठीक है। हम वायरिंग देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, ये देखो क्या है। आप एक भी पीएलसी पीएलसी के प्रोग्राम के ऊपर जाने से पहले पीएलसी के बारे में जानना इजी होना चाहिए। ये पीएलसी का क्या है, पावर, ये अगर ये एलईडी जली, मतलब ये एलईडी ने जैसे ग्लो किया, इसका मतलब ये है कि आपको पीएलसी को पावर मिल चुका है, मतलब आपकी पीएलसी ऑन हो चुकी है। ये दूसरा क्या है, रन,
जैसे ही आपने पीएलसी को सॉफ्टवेयर से कमांड दिया कि भैया देखो पहले आप जब अपलोड करते हैं तो ऑनलाइन जाते हैं, अभी हम लोग ये चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीज मैंने इसलिए थोड़ा सा डिले किया था कि आपको पहले सॉफ्टवेयर समझ में आएगा, बाद में फिर ये समझ में आएगा तो इजी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आपको ऐसी मॉडल समझ में आया, ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आया कि हमने यहां पे क्या करे, हमने यहां पर सीरियल कम्युनिकेशन, यहां पे केवल केबल सिलेक्ट करें कि किस टाइप के केबल से हमको डेटा कम्युनिकेट करवाना है, यहां पे सिलेक्ट करना है कि हमको कौन से पोर्ट से कम्युनिकेट करवाना है, पीएलसी कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड किया हुआ है उन्होंने, ये चीज, डेटा लेंथ कितने लंबा हमारा प्रोग्राम है वो, ये बाय डिफॉल्ट रखना है, बॉड रेट, बॉड रेट कब लगता है, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं सब सिस्टम को, आप अगर से जब इसको इंटरनेट से कनेक्टेड करोगे तब आपको बॉड रेट डालना पड़ता है, और हमारे मैक्सिमम पीएलसी का बॉड रेट 9600 ही रहता है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, बॉड रेट डिसाइडेड बाय पीएलसी सेटिंग या डब्ल्यूपीएल सेटिंग, तुमको डब्ल्यूपीएल सेटिंग, हमको डब्ल्यूपीएल सेटिंग से बॉड रेट डिसाइड करना है, ठीक है। आपको पीएलसी, देखो आपको दो तरीके से बॉड रेट डिसाइड कर सकते हो, पीएलसी, देखो बॉड रेट बोले तो बातें करने का तरीका है, लैंग्वेज उसको मराठी समझ रही है क्या, पीएलसी की भाषा क्या, पीएलसी की भाषा क्या है, अगर से पीएलसी को मराठी समझती तो मराठी में बात करोगे ना आप उससे, अगर से उसको हिंदी समझती तो हिंदी में बात करोगे। तो वही चीज है कि आप बॉड रेट किसकी भाषा, कौन आपके लिए चीज है, मतलब पीएलसी से बात करना है तो पीएलसी की भाषा में, डब्ल्यूपीएल से बात करना है डब्ल्यूपीएल की भाषा में। तो अगर से आपको पीएलसी में प्रोग्राम डालना है तो पीएलसी सिलेक्ट करो, अगर से आपको केवल सिमुलेशन चलाना है तो डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, ओके, ठीक है। तो अभी आप फाइल का नाम दो, फाइल का क्या नाम देंगे, फाइल का नाम दे दो भैया कि ड्यूएल सॉफ्ट, हम लोग क्या बनाएंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, क्या होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, क्या है ड्यूएल, ड्यूएल स्टार्टर, ठीक है, ये बनाएंगे आज हम, तो ड्यूएल स्टार्टर, चलो ओके, ये हो गया। चलो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक जीरो और देन कॉल सेट वाई जीरो, करेक्ट। हम इसको सिमुलेशन करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, यस ऑनलाइन हो गया, इसको रन करते हैं। देखो यहां पे रन का ऑप्शन आ रहा है, रन किया, पूछ रहा है पीएलसी, रन पीएलसी कंफर्म, डू यू विश टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू, देखिए ये हो गया, मतलब जो मैंने सेटअप किया था वो ऑपरेट कर रहा है, मतलब मैंने जो बनाया वो ऑपरेट कर रहा है। चलो ठीक है, ये समझ में आया आपको, यहां तक समझ में आया बेटा, अरे कोई रिस्पॉन्स करेगा, मैं बड़ा एगर रहता आपके ओके रिस्पॉन्स के लिए, मेरे को ना ऐसा एक तरफा पढ़ाने में मजा नहीं आता, आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करूंगा ना तो मेरे को मजा नहीं आएगा, एक इंसान तब तक ही बोलेगा, आपको भी लगता ना थक जाता ना मैं भी बोलते बोलते। देखो अभी हम लोग करते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है टूल बार है ना, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, फाइल, ये आपको जो वर्ड और एक्सेल के अंदर में जो कंपोनेंट्स रहते हैं वही कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसके बारे में आपको सबको पता है। ओपन क्या करता है, नया फाइल ओपन करेगा, सॉरी न्यू क्या करता है, नया फाइल ओपन करेगा, ओपन क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करेगा, सेव बोले तो जो प्रोग्राम मैंने बनाया है जो उसका पहले से नाम था उसी नाम से सेव कर देगा, सेव एज बोले तो उसको नया नाम देने की कोशिश करेगा, नया नाम देकर सेव करेगा, क्लोज प्रोग्राम बोले तो प्रोग्राम को पूरा तरीके से क्लोज, प्रिंट करवाना है तो वो प्रोग्राम को प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट सेटअप बोले तो कोई नया प्रिंटर ऐड करना है या फिर नया कोई सॉरी प्रिंटर है तो प्रिंट ही सेट कर सकते हैं, मतलब लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, है ना, ये जब सेटिंग डार्क चाहिए लाइट चाहिए ये आप यहां से सेटिंग कर सकते हो। प्रोग्राम को एक्सपोर्ट करना है, सिंबल टेबल उनको एक्सपोर्ट करना है या फिर डिवाइस कमांड एक्सपोर्ट करना है ना, मतलब आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करना है, अगर से मान लो कि इसके आपके पास यहाँ पे टाइमर नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, बाहर से कहीं से टाइमर मंगाओगे इसके लिए, डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट के लिए टाइमर कहीं और से मंगाओगे, तब उस केस में हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज करना है कि हमको किसी और को देना है या फिर किसी और से लेना है, उस केस में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। एडिट, अंडू, अंडू मतलब बोले तो बैक जाना है, कंट्रोल जेड मतलब अगर से मैंने देख लो ये लिया और मेरे को ये नहीं लेना है, ठीक है कंट्रोल जेड दबाओ,
ठीक है, रीडू की वो लिख कर आ जाओ दोबारा, ठीक है। कंपाइलर, कंपाइलर में जाना मतलब प्रोग्राम को चेक करना, प्रोग्राम को चेक करना बोले तो मैंने जो प्रोग्राम बनाया है कहीं उसमें एरर तो नहीं है, कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है, कहीं मेरे इसमें मैंने कभी प्रोग्राम गलत तो नहीं बना दिया, मान किसी को एड्रेस दिया तो भूल तो नहीं गया किसी को एड्रेस देना, मतलब अपने प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं कि ये प्रोग्राम रन करने लायक का है क्या नहीं है, अगर नहीं है तो एरर दिखाएगा। आपने कभी इससे पहले कोडिंग किया हुआ है, आपने पॉली में पढ़ा होगा या फिर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, एक किल सॉफ्टवेयर आता है माइक्रो कंट्रोलर के लिए, माइक्रो कंट्रोलर का जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं वैसे असेंबली लैंग्वेज में तो उसको फिर कंपाइल करना पड़ता है, कंपाइल करना मतलब उसमें एरर दिखाता है कि भैया कौन सा एरर है, किस लाइन में एरर है, किस लेटर में एरर है, वो दिखाएंगे आपको यहां पर। कंपोनेंट, एडिट पीएलसी कमांड, आप पीएलसी के कमांड को एडिट कर सकते हो, मतलब ये इसको अगर से मान लो एडिट पीएलसी कमेंट, आपको इसको कमेंट देना, एक्स जीरो को कमेंट देना स्टार्ट, तो आप स्टार्ट दे सकते हो, ये कमेंट आ जाएगा इसमें पीएलसी में, कमेंट आ गया। आप जब भी इसको ओपन करोगे तो यहां पे कमेंट आएगा, ठीक है, जब भी इसको ओपन करोगे तो इसमें कमांड आएगा। एडिट सेगमेंट कमांड, हाँ क्योंकि ये पीएलसी से कम्युनिकेट नहीं है, ठीक है। अब रो का एडिट रो कमांड, रो को कमांड करना है, चलो जीरो को क्या देना है, जीरो नंबर की पिन को मैं दे रहा हूं कि भैया ये मेरा मेन पेज है ना, वन नंबर को दे रहा हूं कि मेरा ऑपरेटिंग पेज है, मेरा वन नंबर तो है, एंड दे देता हूं इसको, एंड हुआ इसमें, ठीक है, एंटर, ठीक है। यहां पर ये मेरा क्या हो गया, नाम हो गया कि मेरा मेन प्रोग्राम है, और ये हो गया मेरा एंड प्रोग्राम है, ये मेरा कमांड्स के अंदर में यूज होगा। सर्च, आपको सर्च क्या करना है, टाइमर सर्च करना है या फिर रिप्लेस करना है किसी चीज को, ये यूजुअली टूल्स है जो आपको वर्ड और एक्सेल के अंदर में मिलता है ना, तो सर्च के अंदर व्यू आपको क्या देखना है, टूल बार देखना है, वर्क स्पेस देखना है, वर्क स्पेस बोले तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो आपको ये दिख रहा है पूरे पे, ये मतलब जहां से आप लेटर यहां से लेकर यहां तक कि ये जो है आपका ये वर्क स्पेस है ना। आउटपुट विंडो, आपकी आउटपुट विंडो देखना है कि आउटपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, तो यहां से दिखता है जब हम लोग कंपैरेटर का यूज करेंगे या फिर कन्वर्टर्स का यूज करेंगे तभी आउटपुट विंडोज का यूज जरूर, हमेशा टिक मार्क रहना चाहिए, जब तक वैसे टिक मार्क नहीं रहेगा तो ये वाई जीरो में ना ग्रीन लाइट नहीं दिखेगा है ना, अगर से टिक मार्क नहीं है तो ये ग्रीन लाइट नहीं दिखेगा, जैसे वैसे मैं इसको ऑन भी कर दूंगा, ये स्विच को ऑन करने से ये लाइट ग्रीन हो जाता ना, यहां पर ये जैसे स्विच ऑन कर रहा था तो वाई जीरो भी ऑन हो जा रहा था, तो ये ऑन होते हुए दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका V वाला आउटपुट जो विंडो है वो क्लोज है, मतलब उसको टिक नहीं किया हुआ है। मॉनिटरिंग डेटा फॉर्मेट, मॉनिटरिंग डेटा फॉर्मेट मतलब जब आप इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम डाल रहे हो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डाल रहे हो, या फिर आप डेसिमल नंबर सिस्टम डाल रहे हो, इंटीजर टाइप डाल रहे हो, फ्लोटिंग टाइप डाल रहे हो, तो उस केस में आपको ये नंबर सिस्टम को हमें एक्सेस करना पड़ता है। अभी सिंगल डेसिमल डालते हैं हम, हेक्साडेसिमल, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, ये चीज। फ्लोटिंग फॉर्मेट सेटिंग, फ्लोटिंग का भी फॉर्मेट है, डबल फ्लोटिंग है, सिंगल फ्लोटिंग है, जूम करना है तो जूम, कितने परसेंट से जूम करना है, ये सब चीजें दी है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट है ना, आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, देखो ये एन इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है ना, कि ये कौन से एनओ टाइप का है, एनसी टाइप का, कितने टाइप के एनओ एनसी अवेलेबल है मेरे पास। लेडर, जीरो नंबर का क्या है, लेडर है एक्स जीरो, वन नंबर का क्या है, आउटपुट लगाया वाई जीरो, टू पे, टू नंबर पे कुछ भी नहीं लगा है, और फिर ये पूरा का पूरा नो है। अभी मेरे प्रोग्राम के अंदर में क्या लगा हुआ है, जीरो नंबर पे क्या लगा है, एक्स जीरो लगा है, लैडर में लैडर बनाया जीरो नंबर की रो में। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो लैडर डायग्राम, ठीक है, ये भी बताना चाह रहा था कि जीरो नंबर की इसमें जीरो वाली रो पर एक लैडर बना हुआ है, और लैडर बनने वाले पर क्या दिया हुआ है, एक्स जीरो दिया हुआ है, है ना, एक्स जीरो दिया हुआ है। और हम इस पे जाते हैं, और फिर से वन नंबर की इसमें आउट दिया हुआ है, आउट बोले तो ये देखो दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला मैंने क्या यूज किया, अगर से मैंने ये पहले यूज किया रहता और ये बाद में यूज किया रहता तो ये पहले जीरो पे दिखाया रहता और ये वन पर। देखो आप जैसे देखो मैंने स्टार्ट डाला था ना, देखो जैसे इस पे आते हैं तो स्टार्ट दिखता है, कमेंट डाला था ना मैंने इसके अंदर, यहां पे जाकर ये कमेंट में जाकर स्टार्ट डाला था ना, देखो स्टार्ट जाओ इसके अंदर जाओ तो स्टार्ट दिखेगा,
इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डाला ही नहीं है, दिख रहा है क्या? कुछ डाला ही नहीं है। अगर से डालना चाहो तो डाल सकते हो आप। ओके, आपको इसको डालना है, चलो इसको डाल देते कमेंट, सॉरी डिवाइस नहीं। ओके, इट इज नॉट टेकिंग। देखो Y0 को क्या देना है, कॉइल देते हो, चलो कॉइल। ओके ठीक है, अब देखो इसमें कॉइल लोगे, कॉइल दिख रहा है कॉइल। आप इस तरीके से कमेंट दे सकते हो, क्योंकि बताओ कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम बनाओगे, मान लो अभी तो ठीक है, अभी आप ड्यूअल स्टार्टर बना रहे हो, एक लैडर दो लैडर का, इसको हम लोग बताता हूँ, एक लैडर दो लैडर का प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि भैया X0 मेरी एक स्टार्ट स्विच है और Y0 मेरा कॉइल है। पर मेरे को ये बताओ, अगर से आप पूरा फैक्ट्री के लैडर बना रहे हो, तब आप कैसे पता करोगे कि X0 क्या है? तो उसके नीचे में अपने कमेंट देना पड़ता है कि भैया X0 ये है, स्टार्ट बटन है मेरी, Y0 क्या है, मेरी कॉइल है, किसकी कॉइल है, एक नंबर की कॉइल है, दो नंबर की कॉइल है, या फिर कॉन्टेक्ट नाम लिख दो डायरेक्ट, पूरा का पूरा जो कॉइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा नाम आएगा। ये चीज रहनी चाहिए। व्यू में लेटर, मैं इंस्ट्रक्शन सेट्स पे गया तो इंस्ट्रक्शन दिखाया, फिर से मैं लेटर पे गया तो लेटर दिखाएगा, ठीक है, ये दोनों का फंक्शन है। SFCs आएंगे, सीरियल फंक्शन चार्ट डायग्राम, मतलब इसमें दूसरी लैंग्वेज जो आती है, फंक्शन ब्लॉक लैंग्वेज आती है और लेटर लैंग्वेज आती है ना, तो दूसरे लैंग्वेज को ओपन करवाना तो ये, अभी हम लोग लेटर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हम लेटर लैंग्वेज पे ही वर्क करेंगे। एडिट मॉनिटर डिवाइस, मॉनिटर डिवाइस मतलब आप जब कंपेरेटर कैलकुलेटर्स पढ़ोगे, लूप फंक्शंस पढ़ोगे, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ोगे, उस केस में ये मॉनिटर डिवाइस का फंक्शन यूज होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, मतलब रियल टाइम वैल्यूज आप कैप्चर कर सकते हो वहां से। डिवाइस कमांड लिस्ट, और इसके बाद सिंबल टेबल और सिंबल ब्लॉक है, इसका यूज नहीं पड़ता अपने को। कम्युनिकेशन, ट्रांसफर सेटअप, हमको ये ट्रांसफर सेटअप एक्टिव होता है जब आप इसको देखो, यहां से छोड़ दो, सिमुलेशन सेटअप, ये ट्रांसफर सेटअप एक्टिव हो गया, मतलब ये रेडी है अभी इस प्रोग्राम को पीएलसी के अंदर डालने के लिए, सिमुलेशन नहीं, पीएलसी के अंदर डालने के लिए ट्रांसफर सेटअप का फंक्शन यूज होता है। वेरीफाई विद पीएलसी, पीएलसी को वेरीफाई कर लो, यहां से कॉम नंबर, यहां पे कॉम नंबर आएगा, भैया कौन से कॉम पे कनेक्टेड है, पीएलसी सही में कनेक्टेड है कि नहीं है, ये यहां से हम चेक कर सकते हैं वेरीफाई करके, है ना, कि हमारा पीएलसी सही में कनेक्टेड है कि नहीं है, कहीं कनेक्शन में लूज तो नहीं होगा, कि कॉम कनेक्टेड है कि नहीं, वायर प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं कम्युनिकेशन का, तो हम यहां से चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डेटा डालते जा रहा हूं और बार बार एरर ही दिखा रहा है, फिर आप बोलेंगे सर यार ये तो एरर दिखा रहा था, ये तो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा, पर आप यहां से चेक कर सकते हैं कि सही में आपका पीएलसी आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है क्या, तब यहां से चेक कर सकते हैं उस चीज को। सिस्टम सिक्योरिटी, आप पासवर्ड डाल सकते हो पीएलसी में, आप चाहते हो कि भैया मेरा लेटर कोई ना देख सके मेरे अलावा, तो आप एक सिक्योरिटी पासवर्ड डाल दो उसके अंदर, जब तक जिसको पासवर्ड पता रहेगा तो ही वो लेटर खोल सकता है, मतलब यहां से कोई नया एडिटिंग करनी है तो वो केवल वही इंसान कर सकता है जिसके पास पासवर्ड है, वरना कोई दूसरा करेगा नहीं, उस केस में आप पासवर्ड डाल दो यहां पर। पीएलसी आईडी सेटिंग, पीएलसी की आईडी अगर पीएलसी का आईपी एड्रेस जगह से लेना है आपको, उस केस में पासवर्ड डाल सकते हो। प्रोग्राम अपलोड डिसेबल, मतलब जब तक कि आपके पास पासवर्ड नहीं रहेगा, जब तक कि आप अपना नया प्रोग्राम पीएलसी के अंदर डाल नहीं सकते। मान लो कि मेरा मैं एक इंजीनियर हूं और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि मेरे को एक सब सेक्शन को मेंटेन करना है, उसका प्रोग्रामिंग मैं करूंगा, उसका फील्ड डिवाइसेस मैं लगाऊंगा, उसका पूरा मेंटेनेंस मैं करूंगा। अब कोई एक नया बंदा आया और जिसने ये कोशिश किया कि चलो यार मैं डालता हूं उसके अंदर प्रोग्राम, तो आपका जो किया कराया वो तो खराब हो जाएंगे ना, अगर से जैसे ही वो नया प्रोग्राम डालेगा तो पुराना प्रोग्राम इरेज हो जाएगा वहां से, तो वो नया प्रोग्राम ना डाल सके इसलिए आप पासवर्ड दे सकते हो। जब तक अगर से नया प्रोग्राम डालेंगे नहीं तो आपका पुराना प्रोग्राम इरेज नहीं होगा पीएलसी में से, मतलब वो पीएलसी की मेमोरी में सेव रहेगा, तो जैसे ही आप नया प्रोग्राम डालोगे तो पुराना वाला प्रोग्राम इरेज हो जाएगा, तो उस केस के लिए आप लोग पासवर्ड डाल सकते हो। रीड ओनली एरिया सेटिंग, आप केवल रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, अगर राइट करना तो पासवर्ड लगेगा। आप मैंने बताया था ना कि आप पीएलसी से वापस ले सकते हो प्रोग्राम को, अभी आप फंक्शन देखोगे आगे, पीएलसी से आप प्रोग्राम को वापस ले सकते हो, वापस ले तो सकते हो,
पर केवल रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते आप, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर से मॉडिफाइड करना तो पासवर्ड लगेगा, जो कि पासवर्ड मैंने यहां से सेट किया हूं, ये पहले वाले फंक्शन से मैंने पासवर्ड की सेटिंग किया है। ये जो पासवर्ड सेट किया है, बाकी के फंक्शन को ऑपरेट कराने के लिए वो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहेंगी। अब देखो, ये मैं सिमुलेशन में गया, ऑनलाइन डाला, यस यस, ठीक है, ये आ गया। अब मैं जो यहां से रन कर रहा था, मैं यहां से भी कर सकता हूं। देखो रन फंक्शन अवेलेबल है, चलो रन, ये हो गया रन। रन जैसे ही हुआ तो ये ग्रीन हो गया। अब देखो ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, यहां से ऑफ। इसको स्टॉप करना तो कम्युनिकेशन में जाओ, स्टॉप फंक्शन अवेलेबल है, ये स्टॉप हो गया। आप इसको चाहकर भी सेट ऑन नहीं कर सकते आप। देखो ये ऑन नहीं हुआ, पहले ये ऑन हो रहा था, है ना, मतलब पीएलसी रन मोड में नहीं है, पीएलसी स्टॉप मोड में है अभी, है ना। स्टॉप लैडर मॉनिटरिंग, आप यहां से ये मॉनिटरिंग करना बंद कर सकते हो कि आप यहां से ऑन कर रहे हो तो ये ऑन होना चाहिए, ऐसा क्या वगैरह। अच्छा ये ऑन होना, तो ये बंद करना है मेरे को कि मेरे स्क्रीन पे कुछ दिखे ना, तो इसका यूज करना मत भूल कर भी, क्योंकि सब चीज स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, है ना। सेट डिवाइस ऑन और ऑफ, है ना, यहां से डिवाइस को ऑन और ऑफ, मतलब आप पीएलसी को ऑन और ऑफ कर सकते हो। एंटर वैल्यू, यहां से आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, पीएलसी की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो, पीएलसी में क्या है क्या नहीं है सब कुछ अंदर से आप कैप्चर कर सकते हो। हम लोग फिर से देखो, ये पीएलसी क्या है, ऑपरेटिंग मोड में अवेलेबल है अभी। अभी ऑपरेटिंग मोड क्या है, स्टॉप मोड, मतलब ये स्टॉप है पीएलसी। कैपेसिटी क्या है, जीरो स्टेप, अभी कोई भी स्टेप फॉलो नहीं हो रही है। पीएलसी का वर्जन क्या है, V0.85, के लिए सिमुलेशन यूज कर रहा हूं, ये मेरा SE मॉडल का वर्जन है, ठीक है। रिलीजिंग डेट क्या है, 3/2, है ना, ये बाय डिफॉल्ट है 3/2 की। ये मैंने एक्चुअली सेटअप जिस दिन इंस्टॉल किया हो, ये फंक्शन क्या है, सिमुलेटर है, मतलब अभी सिमुलेशन ऑन है। यहां पर स्टेशन एड्रेस कॉम 1 कॉम 2 कॉम 3, किस एड्रेस पे कम्युनिकेट है, कोई भी एड्रेस पे कम्युनिकेट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिमुलेटर है, है ना। उसके बाद ग्रामर चेक, नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें, है ना, जो प्रोग्राम मैंने अपलोड किया है उसमें कोई एरर नहीं है। लॉक किया हूं कि मैंने कोई सिक्योरिटी डाला हूं कि नहीं, अनलॉक है, क्लोज, ठीक है। यहां से ये हो गया, अब हम यहां से इसको डिसेबल कर देते, ये ऑप्शन ओपन हो गया। ऑप्शन देखो, कम्युनिकेशन सेटिंग, है ना, कम्युनिकेशन सेटिंग में कैसे कम्युनिकेट करना है, सिमुलेशन में, देखो इसको छोड़ देता हूं मैं भी, कम्युनिकेशन सेटिंग। अब देखो ये कैसा है, आरएस, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, जब हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे तभी, है ना, ये वहां से आता है। चेंज पीएलसी टाइप, अगर पीएलसी का टाइप चेंज करना है, मैंने एसी लिया था, आप SV2 लेना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा मॉडल लेना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज पीएलसी टाइप, देखो चेंज हो जाएगा यहां से पीएलसी का टाइप, ठीक है। प्रोग्राम सेटिंग, सब रूटीन, पासवर्ड सेटिंग, अगर से आपको पासवर्ड को सब रूटीन मतलब सेट करना है, प्रोग्राम आईडी सेटिंग मतलब पासवर्ड को रिन्यू करना है, तो आप यहां से कर सकते हो। एडिट सेटिंग, आप प्रोग्राम को एडिट करना है तो आप यहां से कर सकते हो। कलर अगर से चेंज करना है लेटर का, तो आप यहां से कर सकते हो, लेटर का कलर चेंज मत करना क्योंकि फिर दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मॉडर्न कनेक्शंस, अगर से कोई नया मॉडर्न कनेक्शन अवेलेबल है आपके पास, तो यहां पे आप चेंज कर सकते हो। सेट RTC मतलब रियल टाइम कन्वर्टर्स, है ना, रियल टाइम डेटा अगर से आपको कैप्चर करना है तो आप यहां से इसके प्रिंसिपल में जाकर रियल टाइम डेटा कैप्चर कर सकते हैं। देखो यहां पे कॉम, किस डिवाइस से रियल टाइम कैप्चर करना है, किस डिवाइस से कैप्चर करना है, ठीक है। लैंग्वेज सेटअप करना है, किस टाइप का लैंग्वेज है, इंग्लिश, स्पेनिश, तुर्की या आप चाइनीज, आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। हिंदी नहीं है, हिंदी यहां पे कोई नहीं मानता, हिंदी केवल मराठी, हिंदी केवल इधर ही चलती है, इधर नहीं चलती। एक्चुअली बताया, जितनी भी पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, इंडिया की नहीं है, चाइनीज है, जापानीज है, अमेरिकन है, जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज है मैक्सिमम, है ना, तो उधर की है, तो लैंग्वेज भी उधर की रहेगी, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर मॉनिटर करना है, यहां से एक्सटर्नल मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, मतलब मान लो कि एक पीएलसी के अंदर, देखो एक चीज मैं तुमको और चीज बताता हूं, देखो इसमें कितने आउटपुट और इनपुट है, जरा बताना जरा,
बताओ इसमें कितने इनपुट और आउटपुट है। x0 की वैल्यू कितनी है, x0 x1 x2 x3 ऐसे कितनी वैल्यूज है, और y0 y1 y कितनी है, इनपुट कितनी है, इनपुट कितने हैं, बोलो बेटा बोलो कितने इनपुट है, गिनती तो आती है x0 से लेकर 8 इनपुट है ना, 7 कैसे होगा बाबू, 8 है ना, मतलब आपको ये समझ में तो आ गया कि भैया 8 इनपुट है, ठीक है, और आउटपुट कितनी है, एक फोर करेक्ट। तो ये कौन सी पीएलसी, इसके आउटपुट कितने हुए टोटल, आउटपुट कितनी हुई है टोटल, मम्मी पटको मत नहीं आवाज आ रहा है, चलो कितने 12 इनपुट और आउटपुट पिंस हुए ना। हाँ तो आपको एक चीज ये समझ में आ गया इसमें से कि ये मेरा पीएलसी कितने इनपुट और आउटपुट पिन का है, 12 इनपुट और आउटपुट पिन का है, मतलब ये माइक्रो टाइप की पीएलसी है, कॉमन है वो, मैं कनेक्शन मतलब कॉमन हाँ। अगर मैं आपको इसके वायरिंग पढ़ाऊंगा अगले कल जो क्लास होगी ना उसमें वायरिंग होगी पूरी की पूरी है ना, तो आपको समझ में आएंगे कि कनेक्शंस कैसे करने पड़ते हैं इसके, तो आपको पढ़ने में इसके बाद लैडर पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि जब तक हम कनेक्शंस नहीं सीखेंगे तो लैडर लॉजिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितने इनपुट हो गए, 8 इनपुट और 4 आउटपुट, कितने 8 इनपुट और 4 आउटपुट। अगर किसी ने पूछा कि भैया कितने इनपुट कितने आईओपिन्स की पीएलसी है, तो भैया 12 आईओपिन्स की पीएलसी जिसमें 8 इनपुट और 4 आउटपुट है, करेक्ट। सारे पीएलसी इतने ही रहते हैं इनपुट आउटपुट, नहीं सारे पीएलसी इतने ही नहीं रहते, किसी में 128 रहेंगे, कि दो दो टाइगर पांच पांच दस दस आईओपिन्स से 10,000 आईओपिन्स रहते हैं, पर हाँ सभी में x0 से लेकर x7 तक की वैल्यू रहेंगी, फिर x10 x11 x12 x13 x14 x15 ऐसा चालू होगा, क्योंकि 8 बाइट का पोर्शन है ये, 1 बाइट में 8 बिट्स होती है, और 8 बिट मतलब 8 पिंस, और एड्रेस ऐसा दे सकते हो आप, ठीक है। अभी हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो समझ में आएंगे आपको, ठीक है, ये समझ में आया। तो आपको ये क्या, ये किस टाइप की, अभी मैंने दो चीज बताया था, दो सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया था पीएलसी का, कौन कौन से थे दो बताओ जरा, पीएलसी का सिलेक्शन क्राइटेरिया और कितने टाइप की पीएलसी है मेरे को ये बताओ, तो कौन कौन सी, कॉम्पैक्ट और मॉड्यूल, तो ये कौन से, कॉम्पैक्ट और मॉड्यूल, ये कौन से टाइप की पीएलसी जरा बताओ, करेक्ट, ये कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी है ना, इसमें आपका आईओ पिन भी इसी में है, आउटपुट भी इसी में है, सीपीयू भी इसी में है, और जो मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी रहेंगी तो केवल इतना पोर्शन रहेगा, दिख रहा है, ये केवल आधा पोर्शन यहां से कट जाएगा और केवल इतना ही पोर्शन रहेगा, और ये इनपुट पोर्ट की एक रैक लगेंगी और आउटपुट पोर्ट की एक रैक, ठीक है, इनपुट पोर्ट की एक रैक और आउटपुट पोर्ट की एक रैक लगेंगी यहां पर। अगर से मेरे पास डाउनलोडेड होगी वीडियो फोटो तो दिखाता हूं मैं आपको, क्यों टाइम पास कर रहे हैं फोन, डायरेक्ट जाओ।
देखो ये देखो, ठीक है, दिख रहा है आपको, थोड़ा ब्लर है ना। ये जो पोर्शन है देखो, ये जो पोर्शन है ये क्या है, सीपीयू है। ये जो पोर्शन है सीपीयू है, इतना जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है व्हाइट से पहले का, ये पूरा क्या है, सीपीयू है। इसमें कम्युनिकेशन पोर्ट अलग लगा हुआ है, ये सीपीयू अलग लगा हुआ है, इथरनेट लैन केबल अलग लगा हुआ है जिसमें मेमोरीज लगती है यहां पर, और ये है इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट जो लाल, ये व्हाइट कलर की इनपुट, रेड कलर की आउटपुट, व्हाइट कलर की इनपुट, रेड कलर की आउटपुट। तो ये दोनों रेड है मतलब ये दोनों आउटपुट है, ये दोनों व्हाइट है मतलब ये दोनों इनपुट है ना। ये जनरल इलेक्ट्रिक की पीएलसी है, जनरल इलेक्ट्रिक की पीएलसी है ये एक्चुअल में, है ना। ये कॉम्पैक्ट पीएलसी देखो, इसमें पूरा का पूरा एक ही मिल दिया, ये कॉम्पैक्ट पीएलसी है। देखो ये डेल्टा लिख देते हैं, चलो देखो ये देखो ये दिख रहा है, ये पीएलसी जो हमने अभी पढ़े थे वही पीएलसी है ये, है ना। अब अगर से मेरे को एक्सटर्नल आयो पोर्ट बढ़ाना है तो देखो ये बाजू में ऐसी टाइप की रैक लगती है, जैसे दिख रही है ना ये बाजू में रैके लगी हुई है ना, ये रैक है वो, ये ऐसी रैक इसके बाजू में लगते जाएंगे, और इसको एक्सपांड कर सकते हैं हम 10,000 आयो पिंस की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग क्राइटेरिया, है ना। ऐसे हम इसके एक के बाद लगा सकते हैं। इस पीएलसी में भी हम एक के बाद आयो पिंस लगा सकते हैं, आगे हम इसमें एक्सपांड कर सकते हैं। समझा, देखो ये पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन दे दिया, दिख रहे, ये कॉम्पैक्ट हो गई, ये भी कॉम्पैक्ट हो गई, ये भी कॉम्पैक्ट हो गई। ये इनपुट पोर्ट है, देखो सिंबल दिया इनपुट का, इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है, ये पीएलसी कम्युनिकेशन के साथ मतलब सीपीयू के साथ। अगर से मेरे को इनपुट पोर्ट बढ़ाना है तो ये एक्सटर्नली मैं यहाँ पे लगा दूंगा, मेरे को आउटपुट पिंस बढ़ाना है तो मैं ये एक्सटर्नली यहाँ पे लगा दूंगा, तो मेरे इनपुट भी बढ़ सकते हैं और आउटपुट भी बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो इसको हम सेव करते हैं, कैसे होगा सेव, सेव इमेजेस, ठीक है। ये सब आपको मैं शेयर कर दूंगा बाद में। देखो ये पीएलसी कितने तरीके से कनेक्ट कर रहे, एक के बाद एक कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे, एक के बाद एक कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ये पूरा मिलेगा और एक मॉड्यूलर पीएलसी बनाएंगे, एक तरीके से पूरा बनेगा और एक मॉड्यूलर पीएलसी बना देगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी आपको मॉड्यूलर पीएलसी और कॉम्पैक्ट पीएलसी का अंतर समझ में आया बेटा? हाँ। अभी इसमें कुछ डाउट है कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी में? नहीं। चलो हम कहां तक आए थे, विजार्ड्स तक है ना। विजार्ड्स के अंदर में टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग, मतलब एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल मॉनिटर करने के लिए हम लोग ये एक्सटर्नल एक्सटेंशन मॉड्यूल, अगर से आपको एक मॉड्यूल में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर से आपको एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत है, मतलब आपके पास 10 इनपुट है पहले से और आपको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 12 इनपुट की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, इनपुट का एक मॉड्यूल एक्सटर्नल लाकर कनेक्ट कर दूंगे। समझ में आया? तो उस केस में आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट की कौन से पिन के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है मैंने उस मॉड्यूल को, यहां पे डेटा लिखना पड़ता है, उसका मॉडल क्या है, डेटा कितना है, कमांड की कमेंट देना पड़ता है कि मैंने एक नंबर का मॉड्यूल लगाया हूं और इस एक नंबर के मॉड्यूल को कनेक्ट करना है सिस्टम को। स्कैन कर सकते हो आप, डायरेक्ट कम्युनिकेट हो सकता है वो, तुरंत बता देता है सिस्टम ये कि भैया ये कनेक्ट हो गया, अब ये वाला कनेक्ट हो गया, मतलब इसकी प्रोग्रामिंग पहले आर तक के थी, अब X9 भी यूज कर सकते हो। अगर से आपके पास पीएलसी में केवल 8 इनपुट है और 9वां इनपुट है ही नहीं, तो आपका पीएलसी X9 को रीड ही नहीं करेगा और बताएगा कि एरर है। और अगर से आपने इनपुट पोर्ट लगाया, यहां पे स्कैन है, उसने यहां पर सिलेक्ट किया, मतलब जैसे ही उसने मॉनिटर किया और यहां पे आपने सेटअप पे क्लिक कर, मतलब अब आपने उसमें एक्सटर्नली
इनपुट और आउटपुट पिंस को ऐड कर दिया है, तो आप जितने ऐड किए हो उतने तक के आप एक्सटर्नली इनपुट और आउटपुट एड्रेस यूज कर सकते हो। अभी समझ में आया ये क्या है? विंडो कैस्केड टाइल हॉरिजॉन्टल कैसे दिखाना है आपको, एक के बाद एक विंडो दिखानी है या फिर हॉरिजॉन्टल जैसी अभी मेरी दिख रही है वैसी दिखाना है, या फिर टाइल वर्टिकल मतलब आपको ये टेढ़ा दिखाना है, सिस्टम आपको टेढ़ा चाहिए क्या ये है? इसको अगर से वर्टिकल पोर्शन में चाहिए तो वर्टिकल पोर्शन में मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैडर डायग्राम मोड, अभी क्या है लैडर डायग्राम मोड में है कि इंस्ट्रक्शन लिस्ट मोड में है, देखो इंस्ट्रक्शन लिस्ट मोड और लैडर डायग्राम मोड, ठीक है हम इसको यहां से चेंज कर देते हैं लैडर डायग्राम मोड, ठीक है ये चीज है। आपको एक टूल बार समझ में आया बेटा पूरा, फ्रेंकली बोलना, फ्रेंकली बोलना सबको समझ में आया, सबका आवाज आना चाहिए मेरे को भी, या फिर चैट बॉक्स में डालो आप कुछ भी कंफ्यूजन है। सर पीएलसी को कितना वीटीजी पावर वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज पावर सप्लाई देते हैं जनरली, ओके प्रिय बेटा एक्चुअल में ना हम लोग पीएलसी को 24 वोल्ट डीसी ही देते हैं, अभी हम आगे जब बढ़ेंगे ना तो आपको पावर सोर्स के बारे में पढ़ूंगा मैं भी। हम लोग हमारे पास जब पीएलसी आप देखोगे इंडिया में तो दो प्रकार की पीएलसी होती है, 230 वोल्ट एसी और 24 वोल्ट डीसी, एसी डीसी दोनों, एसी भी रहती है और डीसी भी रहती है, तो यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं 24 वोल्ट डीसी ही यूज करते हैं। अब बोलोगे सर 230 वोल्ट डीसी अवेलेबल है एसी अवेलेबल है तो फिर हम लोग वो क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास तो कॉमनली 24 वोल्ट 230 वोल्ट अवेलेबल है, फिर उसको हम स्टेप क्यों कन्वर्ट करें डीसी में, क्यों 24 वोल्ट में कन्वर्ट करें फिर पीएलसी को दे। कभी आप सोच सकते हो कि आप 24 वोल्ट डीसी क्यों यूज करते हैं आप, जबकि हमारे पास पीएलसी 230 वोल्ट की भी अवेलेबल है, तो फिर हम वो यूज क्यों नहीं करते हैं? कोई आइडिया है? बोलो बोलो बेटा, बोलने के लिए बैठे अपन इधर, नहीं पता एक्चुअल में जो 230 वोल्ट रहते हैं। आप एक्चुअली मेरे को ये बताओ कि मेरे को 230 को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाऊंगा मैं? ट्रांसफार्मर, अच्छा ट्रांसफार्मर लगाऊंगा और जो कि 230 को 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देंगे, और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं सॉरी डीसी में नहीं करेंगे। अभी देखो देखो 230 वोल्ट एसी अवेलेबल है और उसको मेरे को कन्वर्ट करना है 24 वोल्ट डीसी में, तभी मैं क्या करूं क्या लगाऊं? कमेंट आ गया रेक्टिफायर, वो तो 230 वोल्ट को 230 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, 230 वोल्ट एसी को 230 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा रेक्टिफायर ही बता रहा हूं। रेक्टिफायर अभी क्या कर एसी में डीसी में कन्वर्ट करता है ना, तो वो 230 वोल्ट एसी को 230 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके देगा, पर मेरे को चाहिए क्या आउटपुट में 24 वोल्ट डीसी चाहिए, 24 वोल्ट डीसी चाहिए, 230 वोल्ट डीसी नहीं चाहिए। अब बताओ क्या करूं? इंजीनियर बनना मांगता है तो अपने को इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू आर नॉट बी गोइंग टू बिकम एन प्रॉपर पीएलसी इंजीनियर, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स। बताओ क्या करना, सबसे पहला काम क्या मेरा, कितना वोल्ट एसी है मेरे पास, कितना वोल्ट है मेरे पास एसी, 230 वोल्ट है, तो मेरे को उसको पहले तो 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, ट्रांसफार्मर, जो कि 230 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे देगा, पर अभी है एसी मतलब मैं ट्रांसफार्मर यूज करूंगा 230/24 का ट्रांसफार्मर यूज करूंगा जो कि 24 वोल्ट में को एसी में कन्वर्ट करके देगा। अब उस एसी 24 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करूंगा बाय यूजिंग रेक्टिफायर, ठीक है रेक्टिफायर और फिल्टर की मदद से मैं उसको 24 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे को क्या लगा, एक 230/24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा और दूसरा क्या लगा, रेक्टिफायर और फिल्टर लगे,
तो इस पूरे इक्विपमेंट को एक जगह जब मिलाते हैं तो उस डिवाइस को बोलते हैं SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। लिख लो, उस इक्विपमेंट को बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसमें ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल है, उसमें रेक्टिफायर भी अवेलेबल है, उसमें बैलेंस वोल्टेज के लिए जीना डायोड अवेलेबल है, फिल्टर्स अवेलेबल है। मतलब वो 230 वोल्ट को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके देना। नाम रिपीट करना, SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं। ठीक है, अभी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई आपको 230 वोल्ट एसी में मिलेंगे, 24 वोल्ट डीसी में मिलेंगे, 12 वोल्ट डीसी में मिलेंगे, 5 वोल्ट डीसी में मिलेंगे, 6 वोल्ट डीसी में, 9 वोल्ट डीसी में मिलेंगे, है ना। ये सारे रेंज में अवेलेबल है मार्केट में, जो उसको 230 वोल्ट दो इनपुट, 415 भी ले सकते हो, उसमें 415 भाई इसमें भी आता है। इनपुट वोल्टेज भी कुछ भी हो सकता है, इनपुट वोल्टेज देखोगे तो 230 या 415, आउटपुट वोल्टेज देखोगे तो 24 12 9 5 3 ये वोल्टेज आउटपुट में मिलते हैं। आपको सिर्फ स्पेसिफिकेशन बताना पड़ता है कि सर मेरे को 230 by 24 चाहिए, या 415 by 230 चाहिए, या 415 by 24 चाहिए, 415 by 12 चाहिए, या फिर 230 by 12 चाहिए। कुछ भी स्पेसिफिकेशन, जैसी आपकी एप्लीकेशन है वैसा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर यूज नहीं करेंगे उसमें? नहीं, उस केस में हमको ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SMPS में पहले से ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर फिल्टर बैलेंसिंग लोड के लिए जीना डायोड बैलेंस मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए स्टेबलाइजर पहले से अवेलेबल है उसके अंदर। दिखता कैसा है? करेक्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखता कैसा है? अपने को सब दिखता है, इस पर जाली जाली रहता है। इमेज दिखाता हूं मैं आपको, ऐसा दिखता है, दिख रहा है ये? ऐसा दिखता है, दिख रहा है? ऐसा दिखता है SMPS, ऐसा दिखता है SMPS। आपके कैमरा लगा होगा ना आपके घर में, किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए? अरे तुम लोगों ने लगता है कंप्यूटर देखो ना, कंप्यूटर के अंदर मतलब पंखा लगा रहता है पीछे में, वो क्या है? SMPS है वो, देखो ऐसा दिखता है अंदर से, दिखता है ना ऐसा? हाँ, ये कंप्यूटर के पीछे का SMPS है, ये SMPS है, ये SMPS है, इसमें टाइप के SMPS अवेलेबल है मार्केट में, है ना। आप कोई भी वोल्टेज बोलो वो SMPS मिल जाएगा आपको। सर्किट बहुत इजी है इसकी, सर्किटरी सर्किट के तरफ जाना, SMPS की सर्किट ऐसी रहती है। देखो ये ट्रांजिस्टर, ये फिल्टर्स लगा दिया इसमें, है ना। देखो ये रेक्टिफायर्स लगाया, ट्रांसफार्मर लगाया, रेक्टिफायर लगाया, ये IC है, उसके बाद ये फिल्टर्स लगा दिया, है ना। ये अगर से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना रहा तो कभी बाद में पढ़ेंगे ये हमारा कंटेंट नहीं है, हम इस पे नहीं जाएंगे, है ना। ये समझ में आया आपको? हाँ। अभी हम कहां तक के पहुंचे थे? अब देखो ये क्या है, न्यू लेना है फाइल तो न्यू शॉर्टकट अवेलेबल है। ये यहां पर पूरे लॉन्ग कट्स में स्टेप में जाकर अवेलेबल था, यहां पर इसके शॉर्टकट अवेलेबल है। ये क्या है? न्यू है। ये क्या है? ओपन है। ये क्या है? सेव है। ये प्रिंट है। ये अंडो है। ये रीडू है। ये कंट्रोल एक्स कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, गो टू बटन है। मतलब अगर से आपको यहां से किसी और चीज पे जाना है तो यहां पे गो टू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जंप करना है, जंप फंक्शन होता है, जंप तो जंप फंक्शन है। ये सर्च है, ये जूम इन है, जूम आउट है, ये WPL सॉफ्ट यूजर इंडेक्स है, यहां से आपको पूरा यूजर इंडेक्स मैनुअल मिल जाएंगी WPL सॉफ्ट की। रिसेट है, डिबग मोड है, डिबग बोले तो यहां से डेटा को लेना और देना। रन मोड है, है ना, रन टाइम इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। रन टाइम क्या होता है? कितने देर चालू रखना है, कितने देर के बाद ये अपने आप बंद हो जाना चाहिए, कितने बार ऑपरेट कर सकते हो आप, कितने बार इसको रन कर सकते हो आप, ये चीज।
इंस्ट्रक्शन लिस्ट मिल जाएगा जो मैंने उधर ऊपर दिखाया था इंस्ट्रक्शन के लिए, उसका शॉर्टकट्स अवेलेबल है पूरे के पूरे इसके, है ना। यहाँ पे लेटर डायग्राम जो इसमें कम्युनिकेशन की जरूरत ना बनाई है वही चीज यहाँ पे मिलेंगे अभी। सॉरी कम्युनिकेशन देखे थे इसमें, देखे थे व्यू में, देखे थे व्यू में, सॉरी व्यू में देखे थे, ये यहाँ से पूरा की चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर ये हो गया इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ये लेटर, ये एसएफसी डायग्राम्स, एडिट मॉनिटर्स जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े वही चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ये सिम्युलेटर मोड आपको सबसे ज्यादा ये याद रखना है, सिम्युलेटर है ये, डीओपी सॉफ्ट है, डीओआई सॉफ्ट है, मतलब ये पीएलसी का एचएमआई सॉफ्टवेयर है। स्टैटिक आईपी सर्च है इथरनेट केबल के लिए, आईपी एड्रेस अगर किसी चीज का सर्च करना है, क्योंकि इथरनेट केबल को कम्युनिकेट कराने के लिए आईपी एड्रेस लगता है, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लगता है और आपके पीएलसी का आईपी एड्रेस लगता है, दोनों को मैच कराना पड़ता है तब आपका पीएलसी इथरनेट केबल के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। ऑटो सर्च एलिमेंट है, मतलब आप अपने आप सर्च कर सकते हो, मैंने जो बताया आपको कि कौन सा मॉड्यूल कनेक्टेड हुआ, किस पोर्ट पे कनेक्टेड हुआ। या आप सर लोड सेल मॉड्यूल है, मतलब आप एक्सटर्नल मॉड्यूल लगाना है तो आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे फिर राइट टू पीएलसी, क्या बोला था मैंने कि आपके पास दोनों फंक्शन रहते हैं, आप एक तो पीएलसी में राइट करो या पीएलसी से राइट करो, राइट टू पीएलसी और राइट फ्रॉम रीड फ्रॉम पीएलसी, है ना। आप ज्यादा फंक्शन का यूज करोगे तो कंप्यूटर से पीएलसी में डालोगे, और इस फंक्शन का यूज करोगे तो पीएलसी से कंप्यूटर में लेकर आऊंगे अपने डेटा, ठीक है। ये चीज है, उसके बाद स्टॉप, ये रन, लैडर स्टार्ट मॉनिटरिंग, मतलब यहां से मॉनिटर कर सकते हो आप लैडर को। ये ऑनलाइन मोड, मतलब सिमुलेशन जाने के बाद हमको पहले तो कंपाइल करना चाहिए हमको, पर हम कंपाइल करते नहीं है ना, कंपाइल ना भी करो तो चलता है। अब यहां पे जाइए डायरेक्ट, यस ये हो गया आपका ऑटोमेटिकली कंपाइल। कंपाइल यहां पे जाने के बाद आप रन करिए इसको, क्योंकि स्टॉप मोड में रन, और ये चलो, ठीक है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, देखो अगर से आपको, अभी क्या कर सकते हैं, अगर से आपको ये करना है सिमुलेशन ऑन का, सिमुलेशन करना है तो सिमुलेशन के ऊपर कनेक्ट क्लिक करिए, सिमुलेशन को ऑफ, अगर से आपको पीएलसी पे राइट करना है तो सिमुलेशन मोड को ऑफ करिए, सिमुलेट अगर से पीएलसी में राइट नहीं करना है आपको, केवल ऑपरेशन देखना अपने लैपटॉप के ऊपर में, तो सिमुलेशन मोड को ऑन करिए, ठीक है। सिमुलेशन कब ऑन रहना है, जब आपको केवल ऑपरेशन लैपटॉप के ऊपर देखना है, पर अगर से आपको ये प्रोग्राम को पीएलसी के अंदर डालना है तो सिमुलेशन को ऑफ रखना पड़ेगा। देखो क्योंकि जैसे पीएलसी को ऑफ रखूंगा तो यहां पे ऑप्शन ही नहीं आता कम्युनिकेशन में, ट्रांसफर सेटअप आ रहा है या नहीं आता, पर जैसे ही मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ट्रांसफर सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो, है ना। तो अगर से आपको जब पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डालना है तो सिमुलेशन ऑफ रहना चाहिए आपका, ये हो गया। मम्मी समझ नहीं आ रहा आपको, ये नंबर दो लाख, ठीक है। अब रिले टाइप, आपको अब रिले टाइप देखना है कि कौन कौन से टाइप के रिले अवेलेबल है। ये तो आपकी वो विंडो है जहां पर आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो दिखाएगा। देखो यहां पर मैंने एनओ सिलेक्ट किया है, ये मैंने एनसी सिलेक्ट किया, सॉरी एनसी सिलेक्ट किया, तो आउटपुट साइड नहीं दिखाता, केवल इनपुट साइड के रिले दिखाता है, ठीक है। ये इनपुट है, अभी यार मैं एनसी सिलेक्ट कर लेता हूं, देखो एनसी, तो यहां पर एनसी दिखाएगा, ये देखो एनसी दिखाया, इसको मैं एनओ सिलेक्ट कर लेता हूं तो एनओ दिखाएगा, इस पर क्लिक एनओ, मतलब आप देखो इसके बाजू में मैं एक और चीज लगाता हूं, चलो एक एनसी लगाता हूं जो एक्स वन की वैल्यू देता हूं इसको, ठीक है। तो ये देखो, सॉरी ये क्या दिखा रहा है, देखो एनसी सिलेक्ट किया तो एनसी दिखाएगा, यहां पर ये रिफ्लेक्टिंग विंडो है, और एनओ तो एनओ, ये मेरा एनओ है। F1 एनओ है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है जो हमने उन्हें कल पढ़े, अगर से आपको नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट का यूज करना है तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट यहां से आएगा, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट का यूज करना है तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट यहां से आएगा, अगर से आपको राइजिंग एज यूज करना है, राइजिंग एज बोले तो ये सेंसर्स के तरीके की जगह पर यूज होता है, सेंसर के टाइम पर यूज होता है, केवल एक पल्स देता है। अभी क्या होता है देखो, अभी मैं इसको क्या करता हूं, डिलीट करता हूं, एनओ यूज कर लिया मैंने, एनसी भी मैंने कल यूज करके देख लिया था, ठीक है। चलो एक मैं राइजिंग एज ले लेता हूं, एक्स जीरो, और यहां पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
अब इसका मैं फंक्शन दिखाता हूं आपको क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ये है, इसको रन कर देते हैं। ये क्या करेगा, अब देखो ये कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि राइजिंग एज और ये फॉलिंग एज ये कब किस केस में ऑपरेट करते हैं, जिस केस में आपका वैल्यू जीरो से वन हो रहा है। जीरो से वन जैसे ही आपका वैल्यू जाएगा तो ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। अगर से जीरो से हमने इसको लेटर के अंदर में पार्ट फंक्शन यूज करते हैं इसका, है ना, तो आपको ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाए। ये ऑपरेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी पीएलसी में होता है। अच्छा, ये ऑपरेट नहीं कर रहा है ना, अपन लाइब्रेरी चेक करनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। तो ये प्राइसिंग एज मिलेगा जब आप जीरो जीरो से वन लेके जा रहे हो, मतलब आप वन है एलो कंडीशन है उसको प्रेस करेंगे तो एनसी कंडीशन में रहते हैं, मतलब एक पल्स देना, मतलब एलो को जब प्रेस करेंगे तो ये एक पल्स देना और ये जब आप एनसी को प्रेस करेंगे तो एक पल्स देना। इसका काम क्या है, फॉलिंग एज राइजिंग एज का, जब आप एनओ को प्रेस करोगे, एनओ क्या करता है जीरो को वन में लेके जाता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जीरो है जैसे ही प्रेस किया तो वन हुआ, और एनसी क्या है नॉर्मल कंडीशन में वन है और जब प्रेस करूंगा तो जीरो होगा। जीरो मतलब बंद और वन मतलब चालू। नॉर्मली ओपन जो है एनओ जो है नॉर्मल कंडीशन में जीरो रहता है मतलब बंद रहता है, और जैसे ही प्रेस करता हूं तो वन होता है मतलब चालू होता है। तो उस केस में आप अब देखो ये एनओ से ये अलग कैसे है, एनओ से ये अलग इसलिए है जब तक कि ये एनओ ऑन है तो ये लैंप भी ऑन रहेगा, पर जब तक कि ये ऑन है राइजिंग एज ऑन है तो ये केवल एक बार पल्स देगा, एक बार एक पल्स दे देगा, ये थोड़ी देर बस ये थोड़ा सा ब्लिंक करेगा बंद हो जाएगा। इसका काम केवल पल्स देना है, ये एनओ की तरह वर्क करता है। और जो फॉलिंग एज है ये फॉलिंग एज जो है ये जो फॉलिंग एज है ये एनसी की तरह वर्क करता है, पर ये एनओ से कैसे अलग है, राइजिंग एज एनओ से कैसे अलग है, ये राइजिंग ये जो राइजिंग एज है ये एनओ से कैसे अलग है कि एनओ जो है वो कंटिन्यू सिग्नल देता है और ये जो राइजिंग एज है ये केवल एक पल्स देता है, वैसे एनसी जो है वो कंटिन्यू सिग्नल देता है और ये जो फॉलिंग एज है ये केवल एक पल्स देता है, ठीक है। बस ये जो अंतर है इसके अंदर में, बाकी और कुछ है नहीं। डिलीट सॉरी डिलीट, ठीक है। ये राइजिंग एज फॉलिंग एज हो गया, उसके बाद ये सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट बोले तो एक बार सिग्नल मिलने के बाद ये आउटपुट ऑन रहेगा, चाहे आपका इनपुट बंद भी हो जाएगा तो भी आउटपुट ऑन रहेगा। चलो हम इसका यूज करते हैं, हम एक एनो ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम डिलीट करते हैं और यहां पर हम क्या लेते हैं सेट पॉइंट। ये कम्युनिकेट करेगा कि नहीं पता नहीं, सॉरी नहीं किया, क्यों नहीं कर रहा भाई। अच्छा ये डिसेबल है, सॉरी ओके, ये देखो सेट पॉइंट आ गया, ये इनपुट डिवाइस एक्चुअल में है ना, आउटपुट कॉइल ओके। इस सेट पॉइंट का फंक्शन क्या है, एक्चुअल में सेट पॉइंट का फंक्शन ये है पर्टिकुलर एक टाइम के बाद, जब पर्टिकुलर किसी चीज के सेट होने के बाद आउटपुट को ऑन करना चाहिए। मान लो कि मेरा सेंसर ने क्या किया, सिग्नल दिया, और जैसे मेरा एक सेंसर सिग्नल दे वैसे मेरा आउटपुट बंद हो जाना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऑन कर दूंगा, ये ऑन हो गया,
ये ऑन हो गया, लैंप ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये ब्रेकडाउन अवेलेबल है, ये ब्रेकडाउन अवेलेबल है। ये कब होगा ऑन? जब सेंसर का सिग्नल इसको आएगा तब। जैसे सेंसर का सिग्नल आया तो ये कंटिन्यूअसली ऑन हो जाएगा, कंटिन्यूअसली ऑन है ना, और ये आउटपुट जाएगा इसको। इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, बहुत इसके एप्लीकेशन अवेलेबल है और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ना। ये मेरा सेट कॉइल है, सेट पॉइंट है, ये मेरा एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन है जो अभी हम लोगों ने फिर इधर से पढ़े थे। ये मेरा आउटपुट कॉइल है, ये देखो ये आउटपुट कॉइल है, ये आउटपुट कॉइल है ठीक है। ये मेरा क्या है? आउटपुट कॉइल। ये मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लो मैंने यहां से डिलीट कर दिया, देखो यहां पे स्पेस आ गई है, ये स्पेस आ गई, तो ये स्पेस देखो, अगर से मैं इसको ऑनलाइन जाता हूं तो ये रन करेंगे आगे देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, प्रोग्राम ऑन पीएलसी आर करेंट ओपन प्रोग्राम आर नॉट कंसिस्टेंट, द फंक्शन ऑफ ऑनलाइन एडिटिंग विल बी डिसेबल। मतलब ये बोल रहा है कि प्रोग्राम रॉन्ग है, इसने एग्जाम्पल दिया कि भैया प्रोग्राम अभी रॉन्ग है, ऑपरेट नहीं करेगा, ये ऑन भी हो जाएगा, रन कंडीशन है, उसके बाद भी ये कॉइल रन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ओपन सर्किटेड है, समझ में आया? ये रन नहीं करेगा क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है। आप इसको ऑन कर लो ऑफ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां से बंद है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मेरे को मान लो वर्टिकल लाइन की जरूरत है, मेरे को यहां पर एक एक्सी लगाना है, क्या नाम, एक एनो लगा देता हूं और एक एनो को बाईपास करवाना है, मेरे को यहां पर बाईपास कराना है। तो मैं सॉरी कंट्रोल जेड, मेरे को क्या करना है, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, यहां पे जाऊंगा, यहां से डिलीट करूंगा इस चीज को, यहां से भी क्या लगाना है, एनो लगा देते हैं हम, यहां पे एक एनो लगा देते हैं, ये इसका नंबर लेते हैं वाई जीरो, क्योंकि आउटपुट की लैचिंग है, और यहां पे जाते हैं और यहां पे हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, इसको डिलीट, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखो फंक्शन क्या होगा, इसको मैंने बाईपास करे, उस केस में अगर हमको ऐसा सिस्टम बनाना है तो उस केस में हमको ये वर्टिकल लाइन की यूज करना होता है। ये जस्ट एग्जांपल था, हम इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस यस ठीक है, ये ऑन हो गया, इसको मैं ऑन करता हूं, टर्न ऑन, देखो लैंप ऑन, पर स्विच के ऑफ हो जाने से ऑफ होना चाहिए ना, नहीं होगा, क्योंकि लैचिंग अवेलेबल है। और किसकी लैचिंग अवेलेबल है? y जीरो की लैचिंग अवेलेबल है, ये बंद करूंगा तभी ऑफ हो गई, सॉरी ऑफ, ठीक है, इसको मैंने ऑन किया, लैंप ऑन नहीं, इसको ऑन करूंगा लैंप ऑन, पर इसको ऑफ कर दूंगा तो भी लैंप ऑफ नहीं होगा, क्योंकि लैचिंग अवेलेबल है। ये कॉन्सेप्ट भी लैचिंग का हम पढ़ेंगे, है ना, ये ड्यूअल स्टार्टर बन गई यूजुअली, तो ये एक्चुअली मजाक मजाक में ड्यूअल स्टार्टर बना लिया हमने, ठीक है। ये क्या है? एक्चुअली इनवर्स लॉजिक है, अगर से मेरे किसी चीज को उल्टा करना, नॉट गेट पड़े ना अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में, नॉट गेट वन का जीरो जीरो का वन करेगा, मैंने अगर से सिग्नल दिया ऑन तो वो बताएगा ऑफ, मैं सिग्नल दिया ऑफ वो बताएगा ऑन, है ना, तो वो केस के लिए हमको ये यूज करना है इनवर्स सिग्नल। ये कंपेरेटर है ना, दो सिस्टम को कंपेयर करने वाला, एक मान लो कि मेरे पास कंडीशन है, कंपेरेटर कौन कौन से तुमको पता है, जरा बताना जरा, कंपेरेटर कौन कौन से हमारे सिस्टम के अंदर में बोलो, कौन कौन से कंपेरेटर है बेटा, सीरीज और पैरेलल, इट इज नॉट बी अ कंपेरेटर, ये कंपेरेटर नहीं है। कंपेरेटर क्या होता है? मैथमेटिकल टर्म है कंपेरेटर, मैथ्स किसका अच्छा है? मेरा नहीं है, कंपेरेटर एक मैथमेटिकल टर्म है, बोलिए कंपेरेटर क्या है? कंपेरेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये क्या है? कंपेरेटर ही तो है, कंपेयर करता है दो चीजों को, कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये बराबर है,
ये क्या है, कंपैरेटर है ना। तो अगर से हमको ये मान लो कि दो चीजों की फंक्शन आई, कि एक आया कि दो प्लांट है, दो प्लांट कैसे है कि एक में मतलब मान लो कि दूध बनाने वाली कंपनी अमूल, एक यूनिट से आ रहा है 50 पैकेट और दूसरे यूनिट से आ रहा है 50 पैकेट। तो 50-50 ये 50 इसलिए मान लो कि दूध वाली का एक ने दूध बनाया मक्खन, एक ने 50 पैकेट दूध बनाया और एक ने 50 पैकेट मक्खन बनाया। हमारी रिक्वायरमेंट है कि दोनों इक्वल रहना चाहिए, है ना, कि 50 जैसे इसने कंप्लीट किया, 50 जैसे ही इसने कंप्लीट किया तो ये 50 से 51 नहीं होना चाहिए, तब तक जब तक कि ये वाला मक्खन वाला ही पोर्शन 50 ना हो जाए। दूध का प्रोडक्शन फास्ट है, दूध का प्रोडक्शन फास्ट है और मक्खन बनने में टाइम लगता है, पर हमको दोनों ही सेम क्वांटिटी में चाहिए। मेरा कंडीशन ये था कि 50 पैकेट दूध के पैक होना चाहिए और 50 पैकेट मक्खन के पैक होना चाहिए, और जब तक ये दोनों ये इक्वल नहीं होंगे तो दोनों आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मान लो कि मिल्क का जो पैकेट है वो एक घंटा पहले कंप्लीट हो गया, 50 पैकेट उसने एक घंटे पहले कंप्लीट कर लिया, तो वो क्या करेगा, 50 के इनकमन काउंट करना शुरू कर देगा ना। पर कंडीशन क्या है कि 50 जब तक के दोनों इक्वल नहीं हो जाते जब तक के 50 के आगे कोई बढ़ेगा नहीं। तो यहां पर ये कंपेयर करेगा कि चलो दूध 50 हो गया, तब वो चेक करेगा मक्खन 50 हुआ क्या, मक्खन 50 हुआ क्या, मक्खन 50 हुआ क्या, मतलब किसकी वैल्यू चेक करेगा, वो मक्खन पे जो काउंटर लगा हुआ है, मक्खन वाले सेगमेंट में जो काउंटर लगा हुआ है, जो काउंट कर रहा है कि मक्खन कितने हुए, उसका इनपुट चेक करेगा कि उसमें कितना हुआ, और कंपेयर किससे करेगा, मिल्क वाले काउंटर से। मिल्क साइड में भी एक काउंटर लगा क्योंकि मिल्क की भी क्वांटिटी यूज काउंट करना है, और मक्खन साइड में भी एक काउंटर लगा हुआ जो मक्खन की काउंटिंग काउंट करेगा। अब इन दोनों के बीच में एक लगा है कंपेरेटर जो दोनों की क्वांटिटीज को मैच करेगा, कंपेयर करेगा कि दोनों में भैया जो मेरे को सेगमेंट इक्वल टू दिया है, मतलब दोनों बराबर हुए क्या नहीं, ग्रेटर देन दिया है कि मिल्क हमेशा लगा रहना चाहिए मक्खन के कंपेरिजन में, तो कंपेयर करते रहेगा कि भैया जैसे इक्वल हुआ तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाओ, मिल्क को आगे बढ़ाओ, मिल्क 51 हुआ, मिल्क 52 हुआ, 53 हुआ, 54 हुआ। अब वो वेट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, क्योंकि ग्रेटर देन दिया है मैंने कि मिल्क हमेशा ग्रेटर देन रहना चाहिए मक्खन के कंपेरिजन में। तो इस तरीके से वो कंपेयर करता है कि दो यूनिट को जब मेरे को कंपेयर करना होता है तो उस केस में हमको कंपेरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। होप आपको कंपेरेटर समझ में आया, आपको कंपेरेटर समझ में आया, बाकी लोगों को भी समझ में आया बेटा? समझ में आया है ना। ये बाकी की पिंस को छोड़ दीजिए, हमारे कोई काम की नहीं है। एक्चुअल में बता देता हूँ फिर भी सर ने बताया नहीं, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर से मेरे को चेंज करना है, मतलब मैं राइजिंग एज फॉलिंग एज वाला काम है, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये डिलीट वर्टिकल लाइन, अगर से वर्टिकल लाइन को डिलीट करनी है, देखो वर्टिकल लाइन डिलीट हो गई, ये क्या है डिलीट हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करनी है, लोग हॉरिजॉन्टल लाइन डिलीट हो जाएंगे यहां से। सॉरी क्या हुआ, अच्छा सॉरी क्या हो गया, चलो ये डिलीट हो गए। ये क्या है, ड्रॉ वर्टिकल लाइन एंड करेज मूव डाउन, मतलब नीचे साइड में ड्रॉ करने बोल रहा है, नीचे साइड में ड्रॉ करेंगे। ये देखो देखो नीचे साइड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया इसने, है ना, डिलीट वर्टिकल लाइन कर्ज मूव डाउन, यही चीजें पढ़े थे ना मैंने, ये मूव डाउन वर्टिकल लाइन, ड्रॉ वर्टिकल लाइन कर्सर मूव डाउन, अच्छा ड्रॉ डिलीट, अच्छा डिलीट वर्टिकल लाइन और कर्सर मूव डाउन, वैसे वर्टिकल लाइन को डिलीट करेंगे और कर्सर को मूव कर देंगे ये, देखो ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके नीचे साइड में मूव करेगा कर्सर को, और इस केस में क्या होगा, वर्टिकल लाइन को डिलीट करके कर्सर को मूव करेंगे नीचे साइड में, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेगा, प्री चेंज कनेक्शन सेटअप टाइप ऑफ RS232, मतलब
ये RS 232 के ऊपर में ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग नहीं करता, इसके लिए मिनिमम आपको इथरनेट चाहिए, मिनिमम इथरनेट या USB पोर्ट चाहिए। ठीक है, ये आपको मैंने क्या बताया था, ये एक्सटर्नल अगर से हमको आईओ पिंस लगानी है तो इस चीज की हमको मॉनिटर करना है। ठीक, समझ में आया, इतना पूरा प्रोग्राम का सेटअप समझ में आया आपको कि एक्चुअल में प्रोग्राम के अंदर मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, समझा? यस। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है, तो हम पीएलसी से फिर आगे बढ़े। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लो अभी। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? सर, हाँ हाँ बोलिए सर। मतलब जो भी आपने आज टूल्स बताया, मतलब जितना भी अभी तक के हुआ सर, उसका वीडियो फॉरवर्ड करना। हाँ, वीडियो को मिलेगा बेटा, आपको टेंशन नहीं है। आज रात में 10-11 बजे आप चेक कर लेना, यूट्यूब की लिंक शेयर कर दूंगा, आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, आज का जितना भी सेशन है, कल का भी जितना सेशन था ना, वो भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा अभी। और वो केवल आपके वो कब, हाँ वो आपकी केवल कब तक एप्लीकेबल रहेगा, जब तक कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग करने के बाद भी एक महीना आपके पास वो वीडियो की लिंक अवेलेबल रहेंगी, आप उसको देख सकते हो, उसके बाद आप वो आप देख नहीं पाओगे दोबारा। ठीक है, तो आपको वीडियो की लिंक आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, आप उसका टेंशन मत लो, है ना। अगर आपको रिपीट करना है तो ये सब चीज आपको रिपीटेड में मिलेगा। मेरे को पता है कि आपके लिए सब कुछ नया है और आपको ये सब चीजें देखने में थोड़ा सा मुश्किल, मतलब याद रखने में थोड़ा मुश्किल जाएगा, है ना। तो ये चीज जो रिकॉर्ड हो रही है, आप यूट्यूब पे आपके ऊपर के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में, आप लोग यूजुअली यूट्यूब पे जाकर जो रिपीटेड सिस्टम है वो आप देख सकते हो, उसको लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना बेटा? तो हम कल की मतलब पीपीटी के ऊपर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम तो यहां तक ही पहुंचे थे ना, क्या बिल्कुल मिलेगा। कल हम लोगों ने यहां तक ही पढ़ लिए थे। अरे क्या आवाज आ रहा है, मेजर सप्लाई ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ द कॉमन पीएलसी। आपने जो बोला था ना कि सर एक्चुअल में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या क्या लगाना है, पहले पावर सप्लाई पढ़ते हैं। क्या होता है पावर सप्लाई? प्रोवाइड द वोल्टेज नीड टू रन द प्राइमरी पीएलसी कंपोनेंट। मतलब जो आपका पीएलसी है उसको मिनिमम चलने के लिए, चालू होने के लिए जो सप्लाई लगता है उसको बोलते हैं पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई कितने प्रकार की है? पीएलसी हमारे पास दो प्रकार की है, है ना। हमको अगर पीएलसी को डिफरेंशिएट करना है तो हम दो प्रकार से पीएलसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। आपको मैं वो भी दिखाता हूं पीएलसी को कैसे डिफरेंशिएट करूंगे आप, है ना। आपको सब कुछ डेटा अवेलेबल मिलेगा टेम्परेली। पीएलसी मॉनिटर किस हिसाब से करें, पीएलसी को किस हिसाब से बांटा गया है, साइज के हिसाब से बांटा गया है, तुम जिनको मैंने बताया, हार्डवेयर सेटअप के हिसाब से बांटा गया है और पावर सप्लाई के हिसाब से बांटा गया है। तो साइज के हिसाब से जब बांटते हैं हम लोग तो क्या होता है कि हमारे पास एक तो आईओ पिन अवेलेबल और मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। अगर से साइज के हिसाब से बांटता हूं, देखो नैनो पीएलसी, माइक्रो पीएलसी, मीडियम पीएलसी, लार्ज पीएलसी और वेरी लार्ज पीएलसी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इनपुट और आउटपुट पिन के ऊपर में और मेमोरी के ऊपर में, मेमोरी कितने साइज की है ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। दूसरा ये है कि हार्डवेयर सेटअप, मतलब पीएलसी कॉम्पैक्ट टाइप की है कि मॉड्यूलर टाइप की है। अगर से पीएलसी कॉम्पैक्ट टाइप की मतलब ये, पीएलसी मॉड्यूलर टाइप की मतलब ये, कॉम्पैक्ट ये मतलब जिसमें इनपुट और आउटपुट पहले से अवेलेबल है, और मॉड्यूलर मतलब सीपीयू अलग, इनपुट पोर्ट अलग और आउटपुट पोर्ट अलग।
अब तीसरा डिपेंडेंट है कि पावर सप्लाई के हिसाब से हमारे पास दो प्रकार की पीएलसी अवेलेबल है, विद एसएमपीएस और विदाउट एसएमपीएस। आप ये समझ के चलो कि पीएलसी चलने वाली तो 24 वोल्ट डीसी पर ही है, समझना है, 24 वोल्ट डीसी पर ही पीएलसी चलेंगी। आपको 230 कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि पीएलसी चलेंगी तो चलेंगी 24 वोल्ट डीसी पर ही चलेंगी। अब विथ एसएमपीएस मतलब 230 उसका इनपुट वोल्टेज होगा चालू करने के लिए, मतलब उस पीएलसी के अंदर में पहले से एसएमपीएस डाला हुआ है, मतलब पीएलसी के अंदर में एसएमपीएस है तो उसको 230 वोल्ट देना है। अगर ऐसे पीएलसी के अंदर एसएमपीएस नहीं है तो उसको एक्सटर्नली एसएमपीएस लगाना है हमको और 24 वोल्ट डीसी देना है। अभी यह समझ में आया कि पावर सप्लाई के हिसाब से हम कैसे कॉन्फिगर करते हैं कि जिसके अंदर पहले से पीएलसी है एसएमपीएस है तो उसको 230 वोल्ट एसी देना है, और जिसमें 24 वोल्ट डीसी मांगा है तो उसमें हमको एक्सटर्नली एसएमपीएस लगाना है, मतलब उसके अंदर पहले से कोई एसएमपीएस अवेलेबल नहीं है। समझा, ये आपको मेनली हम लोग को कॉन्फिगर करना पड़ता है पीएलसी के लेवल पर। आपको पावर सप्लाई समझिए, मिनिमम उतना वोल्टेज और उतना सप्लाई ऑफ एनर्जी जितने में पीएलसी ऑन हो सके, और पीएलसी को पावर सप्लाई के हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, पहला है विथ एसएमपीएस, दूसरा है विदाउट एसएमपीएस। विथ एसएमपीएस वाले को 230 वोल्ट एसी देना है और विदाउट एसएमपीएस वाले को 24 वोल्ट डीसी देना है, क्योंकि एक्सटर्नल हमको एसएमपीएस लगाना पड़ता है, 24 वोल्ट डीसी कन्वर्ट करने के लिए एसएमपीएस लगाना पड़ेगा। समझना, आईओ मॉड्यूल प्रोवाइड सिग्नल कन्वर्सेशन एंड आइसोलेशन बिटवीन द इंटरनल लॉजिक लेवल सिग्नल इनसाइड द पीएलसी एंड द फील्ड लेवल फील्ड हाई लेवल सिग्नल्स। आईओ मॉड्यूल एक्चुअल में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल, आपने सबने देखा भी, इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल मतलब इनपुट मॉड्यूल बोले तो जहां पर फील्ड के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, आपके स्विच, पुश बटन, सेंसर, एनकोडर्स, डिकोडर्स, लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, ये जो इक्विपमेंट है ये रहते हैं इनपुट फील्ड डिवाइसेस, इसको बोलते हैं इनपुट फील्ड डिवाइसेस। और जिस पोर्ट के ऊपर में, जिस मॉड्यूल के ऊपर में इन सबका कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं इनपुट मॉड्यूल। फिर रिपीट करता हूं, जिस पोर्ट के ऊपर में फील्ड की इनपुट और इनपुट फील्ड डिवाइसेस जो स्विच, एनकोडर, डिकोडर, एनकोडर, पुश बटन्स, सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, आईआर सेंसर्स, या फिर आप लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, पोटेंशियोमीटर एज वेल, पोटेंशियो नॉब जिसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल के लिए, है ना, तो ये सब चीजें जो जहां पर लगती है, जहां पर जिसका कनेक्शन होता है वहां पर उस मॉड्यूल को बोलते हैं इनपुट मॉड्यूल। अब आउटपुट मॉड्यूल किसको बोलते हैं, जहां पे एलईडी लगे, जहां पे डायफ्राम लगे, जहां पे क्या बोलना चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर्स लगे, रिलेज लगे, या फिर आप पोटेंशियल फ्री रिलेज लगते हैं, बेस रिलेज लगते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगते हैं, एलईडीज लगती है, बल्ब लगते हैं, देन मोटर कॉन्ट्रेक्टर लगते हैं, ये जो आउटपुट डिवाइसेज है, सोलेनोइड वॉल लगते हैं, इनको बोलते हैं, उस मॉड्यूल को बोलते हैं आउटपुट मॉड्यूल। और इन दोनों मॉड्यूल को मिलाकर बनता है आईओ मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। समझा, इसके देखो ये इनपुट मॉड्यूल है और ये आउटपुट मॉड्यूल है ना, देखो इनपुट मॉड्यूल में, ये इनपुट मॉड्यूल है और ये आउटपुट मॉड्यूल है। इनपुट मॉड्यूल में क्या क्या लगाया हुआ है, पुश बटन, कॉन्टैक्ट्स, लिमिट स्विच, सेंसर्स, है ना, इसमें जो अलग अलग जो इससे कम्युनिकेट होगे, और आउटपुट मॉड्यूल से क्या क्या कम्युनिकेट हो सकता है, सोलेनोइड, कॉन्ट्रेक्टर, अलार्म, एलईडीज, लाइट्स, ये सारा कुछ आउटपुट मॉड्यूल को कनेक्ट कम्युनिकेट हो सकते हैं। और इन दोनों मॉड्यूल्स को मिलाकर, एक ये और एक ये दोनों मॉड्यूल्स को मिलाकर बनता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जिसको बोलते हैं आईओ मॉड्यूल। ये समझाया आप लोगों को? हाँ समझा। हाँ
प्रोसेसर, एक्चुअल में प्रोसेसर का काम क्या है, प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू कमांड एंड गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर पीएलसी सिस्टम, मतलब ये दिमाग लगाने वाला काम करता है ना, ब्रेन, ये दिमाग लगाने वाला काम करता है, जो कि मैंने पीएलसी में प्रोग्राम डाला है, इसका काम है कि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, है ना, प्रोसेसर का काम ये है। प्रोग्रामिंग डिवाइस यूज टू एंटर द डिजायर प्रोग्राम दैट विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट और डिवाइस मशीन, मतलब आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका डेस्कटॉप, ये क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है जिससे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। आप पीएलसी से आए प्रोग्रामिंग करते हो क्या, पीएलसी में प्रोग्राम बना सकते हो क्या आप, नहीं, पीएलसी में आप प्रोग्राम नहीं बना सकते, आपको प्रोग्राम कहां बनाना पड़ता है, लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, आप इन पर बना सकते हो, टैबलेट्स के ऊपर, इनके ऊपर आप बना सकते हो प्रोग्राम। अब जिस जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस, ठीक है। अब आपको ये मैंने बता चुका हूं एक्चुअल में आपको कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है ना, एलम ब्रैडली, जनरल इलेक्ट्रिक, ब्लाउड मोदीकॉन, स्क्वाडी, ओमरॉन, किंगे, ये अपने फेमस ब्रांड्स अवेलेबल है इसके अंदर में। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं, एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले जिसको हम एचएमआई बोलते हैं, है ना, प्रोग्रामिंग डिवाइस ये हो सकता है जिसके ऊपर प्रोग्राम दिखता है, सीआरटी डिस्प्ले जो आपकी टीवी है वो आपकी प्रोग्रामिंग का डिस्प्ले करवा सकती है, कॉम्पैक्टेबल कंप्यूटर टर्मिनल मतलब आपका मिनी कंप्यूटर जो होता है वो आपका प्रोग्रामिंग डिस्प्ले करवा सकती है ना, ये हम लोग आईओ मॉड्यूल। अगर से आप आईओ मॉड्यूल का अगर थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं तो ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना वही चीज है ये कि हम लोग जहां पर एक्सटर्नल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जहां पर कनेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं आईओ मॉड्यूल्स, है ना, एकदम आसान मजा में समझो, लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, है ना, कोई मतलब नहीं कॉम्प्लिकेट करके ये कंस्ट्रक्शन से, लाइफ ज्यादा बिल्कुल मिलेंगे आपको, ब्रेक चाहिए, कितना बज गया अभी बेटा, केवल आधा घंटा टाइम है, आधा पौन घंटा, उसके बाद आज से थ्योरी खत्म हो जाएंगे, हमको आज इतनी थ्योरी पढ़ना है, हम आधा घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज से थ्योरी खत्म, उसके बाद कल से केवल प्रैक्टिकल्स हो गए, है ना, तो अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करते, है ना, आपको जेन्युइन ब्रेक की रिक्वायरमेंट है क्या, जैसे ब्रेक की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग रख लेते हैं, 5 मिनट में फिर मिलते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है, आपको ब्रेक की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग एक बार बोल दीजिए तो हम लोग 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं यहां पर, 5 या 10 मिनट बाद, नहीं विनीत का कहना नहीं, और किसको रिक्वायरमेंट है भैया, प्रणाली, हाँ प्रिया, यस ओके, मेजोरिटी है ना, हम लोग दोबारा इसी लिंक पर मिलेंगे विद इन, अभी कितना हो रहा है, 8:40 मतलब 8:50 पर हम फिर दोबारा मिलेंगे यहीं पर ही, ठीक है, तब तक के लिए लीव कर सकते हैं या फिर आप म्यूट करके भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप आ जाइए, हम फिर से 10:50 को 8:50 को फिर मिलते हैं यहां पर, ठीक है, ओके यू कैन लीव।
हाँ